Welcome back again. So let's start now question number 8, continuing the same exercise 8.1. I hope you will be enjoying the easiest way to solve a trigonometry, right? So let's start this question. If 3 cot theta is equal to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not. In this kind of a questions, again, what is given? First, you need to focus here what is given. Here given cot theta is equal to 4 and 3 written here. Can we bring this 3 here? Because cos theta is one term. You need to understand that cot theta, cot A, B, C means whatever is written cos A, sin A, this is a one term. This is a one term. You cannot separate this a, b, मतलब theta की value आप इसको अलग नहीं कर सकते, ये a की term है, alright, लेकिन जो आगे numbers दिए होते हैं, अगर आगे कोई constant number दिया हुआ है, जिस तरह से इस question में यहाँ पर 3 दिया हुआ है, this is a separate, basically इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 multiply cot theta is equal to 4, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हम इस questions को easily कर पाएं. तो यहाँ से हम 3 टर्म को अलग कर सकते हैं. जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में होता है एंड हमने उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, उसको इक्वल के राइट साइड या लेफ्ट साइड पे ले जाना है, तो हम क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई में है वो उधर जाके बन जाएगा डिवाइड में. तो यहाँ पर आ गया cot theta is equal to 4 upon 3. cot होता क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ tan. tan की वैल्यू क्या होती है, मूल मंत्र नंबर 1 से निकालेंगे. याद है मूल मंत्र नंबर 1, बताइए क्या है, लिख दीजिए कमेंट्स में, व्हाट इज द मूल मंत्र नंबर 1. पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. तो यहां पर मूल मंत्र नंबर 1 से हमने निकाला कि cot theta की वैल्यू क्या होगी, दैट इज b अपॉन p tan का उल्टा, tan का रेसिप्रोकल, tan का रिवर्स. ओके, तो cot theta इज इक्वल टू b अपॉन p. b दिया हुआ है, p दिया हुआ है, बट यहां पर एक तो मेंबर नहीं है फैमिली का. ट्राइंगल की फैमिली में 3 मेंबर्स होते हैं, एक होता है हमारे पास P, एक होता है B, एक होता है H. P गिवन है, that is equal to 3. B is given is equal to 4, but hypotenuse is not given. So let's calculate H. H क्या निकालेंगे, बोल दीजिए, लिख दीजिए कमेंट में, कैसे निकालेंगे. अब तक तो याद हो गया होगा, P square upon B square. Yes, ठीक है. तो p की वैल्यू क्या है, जल्दी से देखिए, p है 3, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 16. 9 प्लस 16 मींस 25 एंड अंडर रूट 25 इज 5. सो द आंसर इज हियर 5. ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, अभी तो हमारे पास फैमिली के हमें मेंबर्स के नाम पता चले हैं. यस, उनकी हाइट पता चली है बेसिकली. तो अब इनको लगा देंगे इस क्वेश्चन में. आई एम गोइंग टू इरेज दिस. अगर आपको ये नोट डाउन करना है, आप पॉज कीजिए वीडियो को और लिख लीजिए, ठीक है. तो इस फिगर को भी हम पहले साइड पे बना लेते हैं. यहाँ पर साइड पे मैं इस फिगर को बना देती हूँ. यहाँ पर वैल्यू थी हमारी 3, 4 एंड 5, राइट, यही थी वैल्यू. ओके, बी अपॉन पी, आई थिंक 4 इधर था, 3 इधर था. Alright. Let's calculate now. 1 minus 10. 1 minus 10 की वैल्यू क्या होती है? P upon B का square. Square को लगाना नहीं भूलना. यहाँ square लगाना नहीं भूलना. तो value फटाफट लिखते जाएंगे. यहाँ पर भी लिखेंगे हम P B का square. ओके, और ये इक्वल किसके होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए इसके. तो पहले हम एक एक करके कर लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देखें क्या आती है. लेफ्ट हैंड साइड आता है 1 माइनस पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3, और बी की वैल्यू है 4. इसी तरह यहाँ पर आ गई 1 प्लस 3 अपॉन 4 स्क्वायर. व्हाट इज़ द आंसर बताइए, 1 माइनस 9 अपॉन 16, और नीचे आ गया 1 प्लस 9 अपॉन 16. एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 16 वन ज़ा 16 माइनस 9,
अपॉन 16 और नीचे आ गया 16 प्लस 9 अपॉन 16। आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हो। तो आंसर आ गया 16 अपॉन 9 एंड 16 प्लस 9 दैट इज 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7, 16 एंड 9 प्लस करेंगे तो 25। सो लेफ्ट हैंड साइड आंसर इज 7 अपॉन 25। लेट्स सी व्हाट इज राइट हैंड साइड। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बी अपॉन एच होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर पी अपॉन एच होता है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। बी की वैल्यू बताइए क्या है, फिगर में देखिए बी क्या है, बी इज गिवन 4, एच इज गिवन 5 स्क्वायर, 3 5 स्क्वायर। What is the answer? 4 4 16 25 9 25 25 25 LCM is 25. 16 minus 9 and answer is 7 upon 25। तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta is equal to cos square a minus sin square a, yes or no? Yes. तो यहाँ पर आंसर यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऑलराइट, सो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। आई होप यू आर एंजॉयिंग सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चंस।